तो जी ये है हमारे विंटर के कर्टन्स। अब मैं इनको आयरन कर रही हूँ, फिर इनको रखेंगे बंद विंटर के लिए। मैंने कल धो लिए थे। हस्बैंड इज लीविंग फॉर चंडीगढ़ फॉर ऑफिशियल मीटिंग एंड वी आर लीविंग फॉर द माइका। हम घर में नहीं रह सकते हैं अकेले, फिर हम जाते हैं उस दिन माइके। तो मेरी भी पैकिंग हो गई है यहाँ पे, तो मेरा सारा है अब क्लीन। तो जी नमाज मैंने पढ़ ली है, इफ्तार हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि मैं माइके आ गई हूँ, तो मैं आपको पहले दिखाऊंगी ये वाली वॉच। ये मेरी है, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट की थी, पता नहीं मामों के, हाँ मामों की शादी पे शायद। तो इसको ना बहुत टाइम हो गया है, इसको आई थिंक लगभग 15 साल हो गए हैं। तो मेरी फ्रेंड ने मुझे ये गिफ्ट किया है, तो ये अभी भी है मेरे मायके में, ठीक है। और ये वाला जो है, ये वाले ये ना इस्लामिक फ्रेम्स, तब हम छोटे थे, मतलब मेरा भाई मुझसे छोटा था, वो क्रिकेट खेलने जाता था, फिर वो मतलब ना वहाँ पे क्या होता था, मैच जीत के आता था, फिर उनको कुछ पैसे दिए जाते थे, तो फिर वो यही लाता था इस्लामिक फ्रेम्स। और ये लाया था नाले मुबारक, और ये वाला आयतल कुर्सी ये मेरे भाई ने लाया था, वो बहुत छोटा था, मतलब मैच के पैसे होते थे उसके पास। और सबसे इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट मतलब मुझे ना मतलब सुकून मिलता है यहाँ पे आके, ये है मेरा कुरान शरीफ यहाँ पे ऊपर है, ये बाबी का है, तो ये है मेरा, ये मेरी बहन का है, बिस्मिल्लाह। तो ये वाला मेरा है, मतलब मुझे सारा बचपन याद आता है, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह मैंने खुदा यार। ये है मेरा कुरान पाक बचपन का, मतलब मैंने इसी में, मतलब जब मैंने पहले मतलब कुरान पाक पढ़ना शुरू किया था, तो मैंने इसी कुरान पाक से स्टार्ट किया था। ये मेरे नानू ने लाया है हज से, तो पहले मैं इस कुरान पाक की तिलावत करती हूँ, तो मिलते हैं आपसे बाद में। तो माशाल्लाह से तिलावत मेरी हो चुकी है, बड़ा सुकून मिलता है हमें कुरान पाक की तिलावत करके। और मुझे ना मतलब मैंने अपने बचपन का कुरान पाक खोला, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, अच्छा फील हुआ मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी मैं इसको वापस रखती हूँ ऐसे बंद। और ये वाले इस्लामिक फ्रेम्स उन्होंने, मेरे भाई ने मतलब एक दो महीने हो चुके हैं इनको तो लाए हैं, लेकिन वो वाले बचपन में लाए थे, तब वो बच्चा था उनमयजू। और ये आयतल कुर्सी, मतलब मुझे याद है वो कैसे दौड़ दौड़ के आया घर और मुझे बुलाया कि मैंने ये लाया है, हम इतने छोटे थे, मतलब सच में यार बचपन कभी वापस नहीं आता है। मेरी सारे बचपन की यादें ना ताज़ा हो गई है। फिर जब बड़े होते हैं, शादी होती है, बच्चे होते हैं, फिर जन ऐसा बद की ही ना इंसान गुरमत। तो जी ये वाला रूम है हमारे मायके में, नमाज पढ़ने वाला रूम। तो पहले हम अब हाँ डिनर करते हैं, तो बाद में मिलते हैं आपसे। आयशा अब ठीक हो? हाँ आयशु आयशु जी कैसे मैं शिकायत करान आयशु बेबी सॉरी बेबी कुछ गोरी दादाजास ने जी किस कहीं करा निकात हाँ क्या ना
आयशा के पूर्ण नाम है, पूर्ण नाम आयशा इरफान की ना, आयशा बिंट इरफान। और शु बेबी अस रोजो आज ये अस रोजो आज ये कि नहीं आधे लोग वजन दादा को गई हाँ इंग्लिश पे वन क्या कशिर पे वन मे कत पता ऐ वन डैडा कत गो हजस ग अद इंग्लिश पे वन एयरपोर्ट इंग्लिश पे वन एयरपोर्ट कशिर पे क्या वन हो आयशा वन बाबा गो हजस बाबा गो हजस इंशाल्लाह गत इंशाल्लाह रहमान वह रोज वन आज ये ठीक पगह सोन पत क्या आशु बेबी ठीक पगह सोन ठीक पगह सोन अपुज यून जे डैडान ठीक है वन अपुज आपको कहाँ जाना है यस yes, बोल रहे हो लेकिन जाना कहाँ है बोलो ना कहाँ जाना है तुझे का बड़ी मम्मी कर रहा है इंजेक्शन तुझे का डॉक्टर बोलो ना आप डॉक्टर हो आशु आप डॉक्टर हो क्या दिखाऊं क्या वन क्या बोलना है अम्स छुन लागुन अम्स छुन लागुन सात बेबी छुन लागुन ठीक है अम्स लागन हाँ वो सात बेबी घर नो तो जी यहाँ पे मैंने लिए हैं ये आलू दो तीन क्योंकि मुझे बनाने हैं पकोड़े पकौड़ी गया तैयार आशा 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 आपको कहाँ जाना है चकुत का सुन वाव आशा इज लुकिंग सो क्यूट। तो जी घर में हमें बच्चों ने तंग किया कहीं घुमाने ले चलो तो अब हम निकले हैं मम्मी के साथ सारे बच्चों को लेके घूमने। आयशा आयशा इस कद गसन आयशा आयशा जाना है हाँ आयशा जाना हमें कहाँ जाना है ब्रिज पे जाना हमें हमें ब्रिज पे जाना है। ये देखिए यहाँ का नजारा चलो इब्राहिम ब्रिज पे जाना हमें। आयशा आपने क्यों नहीं दिखाया हिजाब और अपना नोज पीस जरा यहाँ दिखाओ नोज पीस कहाँ रखा दिखाओ ना जरा आपने क्यों उतारा ये लगा वापस देखो आगे कितने कुत्ते हैं सुद बेबी गई खुश इसी मकान दर दर यपर कितने मकान बने मैं माशाल्लाह माशाल्लाह यपर वारे मकान बने मैं और की आमद बस नहीं ये की योर वस रूदमिन कहन वन यपरी योद ये घर में बोल रहे थे हमें ब्रिज पे जाना है ब्रिज पे जाना है देखिए ब्रिज ये है
इसको है मेरे भाई के बेटे ने बोला है यहाँ पे ब्यूटीफुल ब्रिज है, इनको अच्छा लगता है इसमें चढ़ना, लेकिन ये डेंजरस है बहुत। नहीं वहाँ नहीं जाना इब्राहिम। बचपन में मैं यहाँ से आती थी, बचपन में। वैसे यूजुअली मैं जब मायके आती हूँ मैं कहीं बाहर नहीं जाती हूँ। नो इब्राहिम नो वहाँ नहीं। अरे हे खुद रचिन वस्ती पर क्या थोमुत अप कसान यह वन जमींदारो थो कि ना मम्मी इन दब लगी। ये देखिए यहाँ पे शीप्स। ओह माय गॉड इतने सारे इसने किया। आशा मैं कट से आना आशा बच्चे खुश हो गए इनको देख के। क्या मैं कट से आना तो चलो अब घर यहाँ पे ठंड है। तो जी मैं वापस ही आ गई, मम्मी बच्चों को लेके गई दुकान पे, इनको कुछ लेज वगैरह लाने थे तो मैंने सोचा अब मैं वहाँ क्यों जाऊँ। तो मुझे अच्छा नहीं लगता है वैसे यहाँ जब मायके आती हूँ तो बाहर निकलना, तो मम्मी ने अभी इंसिस्ट किया बोला निकलो चेकअप कर। सो अब मैं वापस ही आ गई, तो मिलते हैं आपसे घर में। बिस्मिल्लाह रीच्ड होम सेफली।